भरतपुर से है जहां पर प्रभारी मंत्री रमेश मीणा भरतपुर दौरे पर रहे। मंत्री रमेश मीणा की ओर से कहा गया है कि वो सिर्फ कांग्रेस गुट में है और पूरी कांग्रेस एक है। वो बिल्कुल नकार दें, आज भी हमारे राजस्थान पत्रिका वालों ने छापा है, वो ठीक नहीं है। कोई गुट नहीं है, मैं कोई पायलट ग्रुप से नहीं हूँ, न अशोक गहलोत ग्रुप से हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ। माननीय आला कमान ने अशोक गहलोत जी के निर्देश अनुसार जो हम यहाँ काम करेंगे, मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में करेंगे। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार बनाई है, कोई ग्रुप बाय। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, जानना चाहेंगे क्या कुछ ये पूरा मामला है, जिस तरीके से कह सकते हैं कि खुद यहाँ पर मंत्री रमेश मीणा कह रहे हैं कि वो किसी गुट में नहीं है, आपसे जानना चाहेंगे कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, क्यों यहाँ पर बयानबाजियाँ शुरू हो रही है। देखिए प्रीति, मैं बताना चाहूंगा कि जो भरत प्रभारी मंत्री लगाए गए हैं रमेश मीणा, आज उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जो है मीटिंग ली थी, उससे पहले मीडिया से रूबरू हुए जब उनसे प्रश्न किया गया कि कल आपके साथ पायलट कैंप के कुछ लोग ज्यादा मौजूद थे, तो उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि जब मैं कल मीटिंग लेने आया तो ना कोई पायलट कैंप का था, ना कोई अशोक गहलोत कैंप का था, सब कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। और अगर मेरी बात है तो मैं भी ना पायलट गुट में हूँ, ना अशोक गहलोत गुट में हूँ, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। इन सभी बातों को उन्होंने नकारा। हालांकि इस बात में कहा जा सकता है क्योंकि जब वो मंत्री बने तो पायलट कैंप से बने, लेकिन आज उन्होंने मीडिया के सामने इस बात को नकार दिया है कि वो ना पायलट गुट में है, ना अशोक गहलोत गुट में है, वो सिर्फ एक कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। चलिए रवि, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।